आज करण बलि के शिविर में आप आई हो, यदि कोई काम था तो मुझे बुलवा लिया होता। करण, मैं जानती हूँ कि अगर कोई काम था तो आप भी मेरे पास आ सकते थे। हाँ राजमाता, लेकिन आज काम ही कुछ ऐसा है, उस काम से मुझे खुद चलकर तेरे पास आना पड़ा। राजमाता, हाँ ऐसा क्या काम है? काम करण, मैं तुझे एक भेद बताना चाहती हूँ। भेद? हाँ कैसा भेद राजमाता? जिस भेद से, जिस बात से आप अभी तक अवगत नहीं हो, उस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसा भेद है राजमाता? भेद ये है बेटा करण, हाँ, कि जो बार बार आप मुझे महारानी कुंती, राजमाता कुंती कह रहे हैं, अरे मैं महारानी कुंती होने के साथ साथ तुम्हारी माँ भी हूँ बेटा करण। अरे मैंने तुझे अपनी गोद से जन्म दिया है, तू मेरा बेटा है, तू राधे सुत नहीं, तू कौंडे सुत है। महारानी कुंती, पूरी दुनिया जानती है कि पांच पांडवों की माता हो, फिर मेरी माता कैसे बन सकती हो, कैसे हो सकती हो, ये सच्चाई मैं कैसे मान लूं? करण, हाँ, उन पांचों पांडवों के साथ, हाँ, मैं तुम्हारी माँ भी लगती हूँ। अरे तेरी जुबान से माँ ही शब्द मैं सुनना चाहती हूँ। राजमाता, हाँ मुझे सच्चाई खोल के बताइए सारी सच्चाई। हाँ करण, मैं तेरे सामने विस्तार से रखूंगी कि किस कारण से मैंने तुझे जन्म दिया और किस कारण से अपने से दूर रखा। सुन मेरी बात, सच्चाई हाँ।
ले जीवन का तू टोटा और नफा कह दे रे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती के मां कह दे। महारानी कुंती हाँ। मैं किस तरह आपको माता कह दूं क्योंकि आपने आकर बताया कि आप मेरी माता हो, लेकिन एक सवाल और आता है, कैसा सवाल? यदि आप मेरी माता हो तो मेरा पिता कौन है? करण हाँ। अगर मैं तेरी माँ हूँ हाँ। तो तेरा पिता कौन है? हाँ। ये सच्चाई मुझे बतानी होगी। ये सच्चाई भी मैं तुझे बताऊंगी कि तेरा पिता कौन है और कैसे मैंने तुझे जन्म दिया। बताइए राजमाता। और हमारे परम आदरणीय मकड़ा गांव से ओम प्रकाश सरपंच साहब भाई कई बार 500 रुपए 200 रुपए सम्मान में दे चुके हैं, फिर दोबारा से 200 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए क्या बताइए। लेकिन ये नहीं सोचा कि उस बच्चे का
बेटा क्या होगा, आपकी लोग लाज अच्छी थी या वो बच्चा अच्छा था? सोचा तो बहुत बेटा करण, लेकिन होने के आगे किसी की पार नहीं बसाती, और कुछ सोचती तो क्या करती, ये दुनिया वाले क्या कहते, मेरी बहुत बड़ी गलती रही, इसका कारण भी बताना चाहूंगी, सुनिए मेरी बात। की माँ बन गई, अरे सुन के भारी चोट लगी रे।
और छाती ते लिया बेटे को तने कितना दूध पिलाया, कितना दूध पिलाया। पूछू मैं नारा लाड करा बस एक लाड लडाया। अरे देखे जन्म मारने री खातर गंगा बीच बहाया, गंगा बीच बहाया। दरिया माँ कहूँ तने मन माँ का प्यार नहीं देखा, माँ का प्यार नहीं देखा। अरे जहाँ गया अभिमान सहा आदर सत्कार नहीं देखा, मेरे नीचे को ही नजर निगाह ठाके संसार नहीं देखा, ठाके संसार नहीं देखा। अरे जिस झूठे आंसू काढ़ बना रही तू पागल आज करने का, पागल आज करने का। तन यो जीवन अधिकार करा है चंदा करा गगने का। ओ, 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 अरे मर के भी एहसान मेरे पैना उतरे दरियो धने का, उतरे दरियो धने का। जिन बाणों का गर्भ मुझे वो बाण मांगने आई है, बाण मांगने आई है। जब छह बेटे हैं तेरे पांच के प्राण मांगने आई है। और बाणों का तो नाम करण की तू जान मांगने आई है, जान मांगने आई है। हे लड्डन सिंह बनेगी।
शाबाशी दी है, इस बात का मैं भेद जानना चाहता हूं कि आपने जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वो करण है और उसको शाबाशी दी है। अगर अर्जुन आप इस भेद को नहीं बताओगे तो मैं इस रणभूमि में युद्ध नहीं करूंगा। आपका सबसे बड़ा दुश्मन करण बलि है जी, लेकिन ये केशव सच्चाई बताता है, इसलिए शाबाशी दिए क्योंकि करण बलि ने आज शाबाशी का कार्य किया है। और यदि उसकी सच्चाई सुनना चाहते हो तो अपनी बात कहिए, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ क्या करके उन्हें दिखाया। बतला दो ये भेद, खेद है क्या खेद है ये अर्जुन को करण बचा कट जाने के, करण को शाबाशी क्यों रथ तीन कदम हट जाने दे, करण को शाबाशी क्यों रथ तीन कदम हट जाने दे। अरे मैं तो गया होगी और रात अर्जुन इस रण में जब यो ढंग से तो तेरी क्या हालात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन हो कत मुख से दू मैं काढ़ रे काढ़ रे कते मुख से दू मैं काढ़ हाट फूल हो तेरा धन कुछ काम किया नहीं है। जो आपने शाबाशी दी है आप सीधी सीधी से बात को बताइए जो आप बात बताना चाहते हैं। अर्जुन करण बलि ने तेरी समझ में तेरी नजर में कोई ऐसा काम नहीं किया लेकिन मेरी नजर में ऐसा काम किया है और सुनना चाहते हो तो कहिए अपनी बात मैं तुम्हें बताता हूं।
श्री कृष्ण जी महाराज है अर्जुन, केशव है माधव। हाँ। मेरी समझ में बात ये नहीं आ रही, आप अड़झा रहे हो सुलझा रहे हो। आपने ये कहा कि भाई तीन लोग, हाँ। तीन लोग कैसे हटा सकता है, ये तो एक करण है। हाँ। श्री कृष्ण जी महाराज आपसे कह रहा हूं, कहिए, ये तो एक करण है, अगर 100 करण भी मेरे सामने आ जाए तो उनको भी परास्त करना वाली बात ही अर्जुन जानता है। ये बात सुनना चाहता था मैं अर्जुन। हाँ। तेरे मुख से ये बात सुनना चाहता था कि यदि किसी इंसान को अहंकार हो और फिर भी वो युद्ध जीते तो ऐसा कदापि हो नहीं सकता। सुनिए मेरी बात, और तेरे को अहंकार है, 100 करणों की बात करते हो, एक करण का मुकाबला अच्छी प्रकार से आपको हो नहीं पा रहा है, और फिर यदि फिर भी आपको दहे हैं तो अपनी बात कहिए, मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा। सुनिए मेरे भाई, बात क्या हृदय में धरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। अरे हनुमान रथ उसका बिझाड़े दिया शेषनाग, अरे शेषनाग रथ के पहियों पे तेरा फिर भी रथ उखाड़े दिया, तीन लोक सुन तीन लोक मेरे मुंह के रे अंदर मुंह के सन में फाड़े दिया, तीन लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह के सन में फाड़े दिया, हो देख के तू भूल गया महाराज वाके में ही, लेकिन आपने किंतु परंतु में बहुत समय व्यतीत कर दिया। आप अच्छा। पहले ही कह देते अकरण बलि में इतनी ताकत है, सजनों इतने गुण हैं। जब अर्जुन ने यह सुनिया कि हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका भी झाड़ दिया और शेषनाग रथ के पहियों पर तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया और तीन लोक मेरे मुंह के अंदर मुंह की सड़ने फाड़ दिया, इस बात को सुन के पैरों में पड़ जाते हैं अर्जुन। कहते ना केशव, मेरे को पता नहीं था कि यह कर्ण बलि इतना बड़ा योद्धा है, इससे मेरी जान बचाओ। तो कृष्ण भगवान कहते रहे अर्जुन, यदि किसी इंसान को दुनिया में अहंकार हो जाए तो उसका साथ भगवान नहीं देता, और अहंकार को गलती मान के और भगवान के चरण पकड़ ले शरण में पहुंच जाए तो दीनदयाल भगवान, इतना बड़ा दिल होता है भगवान का, अपने भक्तों को माफ कर देते हैं। और अर्जुन यदि तू गलती मानता है तो मैं तुझे सच्चाई बताता हूं, इस रणभूमि में इस युद्ध में क्या होने वाला है, अपनी बात कहिए, कहिए फिर।
माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी करण ते बचा दो प्रभु, भूलो ना ऐसा न जान मेरी करण ते बचा दो प्रभु। और जीत और हार अर्जुन जीत और हार अर्जुन अपने कर्म की रे होगी राजबल उठाओ रे बाण बात क्या शर्म की रे होगी लड्डन सिंह लड़े जा रे रण में जीत तो धर्म की होगी रे लड्डन सिंह लड़े जा रण में जीत तो धर्म की होगी होते चित चिंता चिंता श्री कृष्ण मुरारी मरु का बदला दो ये भेद भेद है ये कृष्ण को भारी मरु का बदला दो ये सब जग के पालने हारे मकड़ावा आइए बाबा जी बाबा भैया सब जग के पालने हारे मकड़ावा आइए बाबा जी Thank you.
ओम प्रकाश सरपंच साहब ने फिर दोबारा से भाई कई बार सम्मान किया, 200 रुपए देते हैं बाबा भैया के भजन पे खुश होकर के। और ये प्रोग्राम जो लाइव चल रहा है राज कैसेट के माध्यम से अपने यूट्यूब चैनल पर खोलें और इस प्रोग्राम को देखें, सभी के फोनों पे प्रोग्राम चलेगा, लाइव हो रहा है राज कैसेट के माध्यम से। आइए मैडम संजय चौधरी जी। और समझे ना इंसान तने और हीजड़ा के गीत सुने से देखे ना बलवान तने हमरे पूत जाते ठाकुरे समझे ना ठाकुरे
जैसे राजपूत तेरे दरबार में तेरी चापलूसी करते हैं, अरे तुझे नहीं पता कि असली राजपूत किसे होया करे हैं? हम बताएंगे कि असली राजपूत किसे होया करे हैं। क्या कह लागे भल्ला? दुनिया में मचरी और बहन के भाई कुत्ता हो से, बहन के भाई कुत्ता हो से, मान सिंह बन रहा सरदार। सौ कुत्त्या का और सौ कुत्त्या का वो कुत्ता जो बाप रहे बेटी के द्वार। सौ कुत्त्या का जो बाप रहे बेटी के द्वार। वो है ससुरा वो है साला, वो है ससुरा वो है साला, दिल राजा जमा करेंगे। कौन सुंदर बाई के लायक है? तीसरी बात के द्वारा क्या कहने लगे? श्री राम बिना और सुंदल बाई रुकमन जी से, सुंदल बाई रुकमन जी से कुण ब्याहते घनश्याम बिना, सुंदल बाई द्रौपदी से कुण ब्याहते अर्जुन नाम बिना, सुंदल बाई द्रौपदी से कुण ब्याहते अर्जुन नाम बिना। बल रहे महान रटनिया, अल्लाह बल रहे महान रटनिया, देगा भगवान दे देंगे,
लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी सुंदरवाई तुझे दे दें और तेरा ऐसा हस्र करेंगे अगर आगे से तूने कभी ऐसी बात की। कैसा हस्र करेंगे? ऐसा नहीं है कि तुझे एक दिन में मारेंगे, दो दिन में मारेंगे, चार दिन में, पांच दिन में, सात दिन में, ना ही तो एक महीने में। तुझे जो 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने, 12 महीने की मौत देंगे और किसी किसी मौत देंगे। क्या तोड़ क्या रागनी का सुझ में तेरे पाड़ रेत में रले जांगे। अरे कार्तिक मनसरे मोहमा में तेरे झाड़ रेत में रले जांगे। मांगे राम ते और मांगे राम ते टकरावेगा हाड़ रेत में रले जांगे। मांगे राम ते कोई रहना दाग देनिया कोई रहना जो कोसे धरी कुरान साधु महाराज सत्यवादी राजा मोरध्वज के द्वार पर आपका स्वागत है, सम्मान है। हे राजन। कहिए महाराज। कई रोज हो गए चलते चलते, आज आपका धाम आया है। अच्छा। और हमारी कुछ दान मांगने की इच्छा बनी है और हमारे साथ में एक केहरी भी है, उसको भी आपको जमाना है। महाराज कई रोज की मंजिल करके आप मेरे द्वार पर आए हो तो आपको भोजन मिलेगा, आपके केहरी को भी जिमाया जाएगा, उसके लिए भी भोजन की व्यवस्था करी जाएगी। और जो दान हम मांगना चाहते हैं राजन, हाँ, कोई मामूली दान नहीं है। अच्छा। हाँ महाराज, कैसा दान है वो सुनिए हमारी बात। बताइए अपनी बात। अरे भूखा से कई रोज का तू आत्मा भूखी राजन धर्म का यो काम तेरा सभी ने बताया दानी मोर ध्वज नाम तेरा ए सभी ने बताया दानी मोर ध्वज नाम तेरा ओ मांग ले जसा दू चोर
अरे बिन मांगे मोती दे दूंगा थारे चरणों का हूँ दास, आपको मिलेगा रे भोजन शेर को मिलेगा मांस, आपको मिलेगा भोजन शेर को मिलेगा मांस। धरना चाहिए सेराज हो एक भूख मिटा दे भूखा से कई रोज का। इस रागनी पे खुश होकर के हमारे परम आदरणीय बाबा जगराम जी भाई 200 रुपए देते हैं, उनके लिए बार बार धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद। आइए दोनों कलाकारों के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हे राजन, जो आप दान दे रहे हो हमारा कोई मामूली दान नहीं है, हम उस प्रकार से दान मांग रहे हैं। आज हमारी कुछ शर्तें भी होंगी राजन। महाराज, शर्त का दान मांगने के लिए आए हो? शर्त का दान वैसे किसी साधु को मांगना नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि शर्त की बात करते हो तो कहिए कैसा दान चाहिए आपको, बताइए अपनी बात, सुनिए। सोच लेना रावे तने दिल पे पत्थर धरने होंगे, और चीज पाछे पहले तीन वचन भरे होंगे, और चीज पाछे पहले तीन वचन भरे होंगे। ओ धर्म के मकाम करूं रे हो, क्या चाहिए इस मोर धज से भेद नहीं मन का खोला, पत्थर की सुनो पत्थर की लकीर समझ लो तीन वचन भरे के बोला, पत्थर की लकीर समझ लो तीन वचन भरे के बोला। तेरी लेंगे परिखे भूखा से कई रोज का। आप अपने वचनों को पूरा करोगे? महाराज, तीन वचन आपको दिए हैं मैंने, और तीन वचनों में यदि पूजा पूरा राजपाट मांगने चाहते हो तो राज भी दे सकता हूं मैदान में। सुनिए हमारी बात, कहिए क्या चाहिए आपको। राजा धी
हीर था जिस तो इकलौते ने सिंह की भेंट चढ़ा दे राजा। अरे बेटे की तो फान बना के शेर में जिमा दे बेटे की तो फान बना के शेर में जिमा दे राजा। भाई सुन संतों की बात एकदम, सुन संतों की बात एकदम, क्रोध में उमड़ क्या गात, साधु हो या पाखंडी थारी कौन सी बता दो जात। और चीज मांग लियो मेरे बेटे पे धरो तू दान, और चीज मांग लियो मेरे बेटे पे धरो तू दान। थोड़ी चिड़ी पे बाज हो चाहते तो आपके राज से हम बाहर चले जाते हैं। हमने तो अभी एक वचन मांगा है राजन, अभी तो एक वचन मांगा है, अभी दो वचन शेष हैं। सोच लीजिए महाराज, तीन वचन मैंने आपको दिए हैं, लेकिन हाथ जोड़ के एक वचन मैं आपसे मांग रहा हूं वापिस। मेरे बेटे की जान को बख्श दो, उसकी जगह पे चाहे मेरा राजपाट धन ले लो, और मेरी जान लेना चाहते हो तो मेरी जान ले लो, क्योंकि मेरे बेटे पे पूरी जनता की नजर है कि मेरे बाद में वो राजा बनेगा, और इतना बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं महाराज। अभी तो एक वचन मांगा है राजन, अगर दूसरा वचन सुन लोगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी राजन। ये हमारा दूसरा वचन होगा। दूसरा वचन कौन सा है आपका, बताइए महाराज, अपना वचन बताइए, सुनिए हमारे। राजा रानी चीरेंगे, अरे राजा रानी चीरेंगे सुर आरे की पकड़ के सिर। जब जानूंगा राजन तने धर्म का धुरा नबीर, जब जानूंगा राजन तने धर्म का धुरन नबीर। हाथ जोड़ कह रे साधु, हाथ जोड़ कह रे साधु, ऐसा पाप कमाओ रे मतना। इकलौता है लाल मेरा तम वंश ने मिटाओ मतना। कुछ रानी ते सलाह करूं तम इतने साधु जाओ मतना, कुछ रानी ते सलाह करूं तम इतने साधु जाओ मतना। यशपाल सिंह सुर साज हो वो महफिल है जगा दे का मुखड़ा लोहू
जे शरम का फल लागे गारानी आगे करी करम का फल लागे गारानी आगे करी करम का हो मुझे आज धर्म का कर बीज पकड़ा कसर कौन सी रहरी हो जब आरा पकड़ा कसर कौन सी रहरी ओ यारी कब के बैरी सोवे ना सोवे ते टेका मुखड़ा छातीना आंसू एक वीर के हो बाजर की छातीना आंसू एक वीर के हो यार चीर फाड़ के आज सुरंग दो हाड़े के इतने में बेरी आ गया शेर दहाड़े के ओ इतने में बेरी आ गया शेर दहाड़े के हो Oh,
गए।